एसएमएस ये आ चुका है, तो हम इस एसएमएस को ओपन करेंगे। ये भी मैं आपको बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हाय हर्ष, ए यूजर रिपोर्टेड योर व्हीकल विद प्लेट नंबर इज नो पार्किंग एरिया, चेक लोकेशन। फ्रेंड्स, सिंपल सा ये दिखने वाला स्टिकर आपकी बाइक, स्कूटी या फिर कार को बहुत सारे खतरों से बचा सकता है, जैसे कि चलान का खतरा या फिर स्क्रैच का खतरा। ये इंडिया में बिल्कुल न्यू लॉन्च हुआ है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये टैग जो है बहुत जल्द आपको इंडिया की हर एक बाइक, स्कूटी या फिर कार पर देखने को मिल जाएगा। मैं इसके फायदे आपको बता देता हूँ। सबसे पहला इसका फायदा ये है कि अगर आपने गलती से अपनी बाइक, स्कूटी या फिर कार को गलत पार्क कर दिया या फिर नो पार्किंग में लगा दिया, तो आपके फोन पर एक एसएमएस जब कॉल आ जाएगी, यानी कि चलान का खतरा बच जाएगा। नंबर टू, अगर आपका गलती से कार का दरवाजा या फिर शीशा खुला रह गया, तो आपके फोन पर एसएमएस जब कॉल आ जाएगी, यानी कि चोरी का खतरा बच जाएगा। नंबर थ्री, गलती से आपकी कार की लाइट्स चलती हुई रह गई, तो भी आपके फोन पर एसएमएस जब कॉल आ जाएगा, यानी कि बैटरी डेड होने का खतरा बच जाएगा। नंबर फोर, गलती से आपकी कार में कोई छोटा बच्चा या फिर आपका पालतू जानवर बंद रह गया, तो भी आपके फोन पर एसएमएस या फिर कॉल आ जाएगी, यानी कि आप बहुत सारे खतरों से अपने व्हीकल्स को बचा पाएंगे। फ्रेंड्स, इस स्टिकर के फायदे जानने के बाद आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये कितना महंगा है या फिर इसका क्या रेट है। तो मैं आपको बता दूं कि इस एक स्टिकर की जो कॉस्ट है वो है ओनली 250 रुपीज, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। यानी कि एक बार आपने इसको परचेज कर लिया तो आपके इसके महीने या सालाना कोई भी पैसा, जिंदगी भर कोई पैसा आपको नहीं देना है। और उससे भी हैरानी की बात आपको बता देता हूं, मुझे ये तीनों स्टिकर मिले हैं ओनली 280 रुपीज में, ठीक है। यानी कि सिर्फ 280 रुपए में दो मेरी कार के लिए और एक ये मेरे बाइक के लिए जो स्टिकर है मेरे घर पर मेरे पास डिलीवर हो गए हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ए टू जेड जानकारी दूंगा कि ये आप ऑनलाइन कैसे ऑर्डर कर सकते हो, कैसे आपने इसको स्कूटी, बाइक या फिर कार पर लगाना है, या फिर कैसे आपने इस कार्ड को एक्टिवेट करना है और किस तरह से इसका यूज किया जाता है। तो ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट। इसके बाद आपको क्लिक करना है बाय नाउ पर। यहाँ पर आपको कंप्लीट अपनी डिटेल एंटर कर देनी है और ये डिटेल आपको एंटर करनी है ताकि आपके घर पर ये कार्ड, यानी कि जो ये टैग है, ये डिलीवर हो पाए। इसलिए यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट भर देनी है, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंप्लीट एड्रेस, स्टेट, सिटी और पिन कोड। ये सारी डिटेल मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। सारी कंप्लीट डिटेल एंटर करने के बाद आपको नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन लिखे आ जाएंगे कि आप इसको अपने किस व्हीकल के लिए परचेज करना चाहते हो। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है कार वाला, तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि देखिए एक सिंगल कार्ड है 250 रुपीज का और जो 2 का रेट है वो है 299, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपने इसको, अगर आप अपनी एक कार के लिए परचेज कर रहे हैं तो यहां पर दो टैक्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें। इसके बाद नेक्स्ट है फोर बाइक्स, ठीक है, तो हम इस ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी बाइक्स के लिए चाहिए, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक बाइक है तो मैं एक बाइक सिलेक्ट कर देता हूं। अब यहां पर देखिए इसकी टोटल कॉस्ट आपको कितनी पे करनी है, 280 रुपीज लगभग, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि मैंने ये तीनों टैग मंगवाए थे, दो कार के लिए और ये है बाइक के लिए, ठीक है। तो ये तीनों मुझे मिले हैं 280 रुपीज में। इसके बाद आपने नीचे की तरफ जाना है तो सेम इसी रेट में आपको ये तीनों कार्ड मिल जाएंगे। इसके बाद आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपके सामने पेमेंट के काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप चाहें तो पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें वन टाइम पे नाउ, यानी कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से इसकी पेमेंट कर सकते हो, या फिर आप कैश ऑन डिलीवरी अगर आप मंगवाते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसमें पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर दें। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पेटीएम सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपने अपना पेटीएम नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। पेटीएम नंबर वेरीफाई करते ही यहाँ पर देखिए मैं पे 279 रुपीज पर क्लिक कर दूंगा और इसके बाद देखिए पेमेंट हमारी जो है डन हो जाएगी और 7 डेज के अंदर अंदर हमारा जो ये टैग है ये हमारे घर पर पहुंच जाएगा। लेकिन बी श्योर आपने एड्रेस बिल्कुल करेक्ट भरा हो। तो फ्रेंड्स अब हम आगे हैं अपनी कार के अंदर। तो देखिए इसमें जो ये छोटे वाला स्टिकर है, यानी कि छोटे साइज वाला टैग है, ये आप बाइक, स्कूटी में लगा सकते हो, या फिर जो ये बड़े वाला टैग है, तो
तो ये आपको यूज करना है कार में, ठीक है। एक तो सामने की विंडस्क्रीन पर और एक जो कार का बैक वाला शीशा है उस पर आपको ये लगाना होगा। इन दोनों में एक डिफरेंस आपको बता देता हूं। तो ये देखिए, ये बैक साइड से जैसे आप इसको रिमूव करेंगे इसके पेपर को, तो ये इस तरह से फ्रंट साइड पर लगेगा, ठीक है, इसलिए आप इसको डार्क देख पा रहे हैं। और जो कार वाला है ये आपको अंदर वाले साइड से लगाना है ताकि किसी भी तरह से बाहर से डैमेज ना हो। जिस तरह से हम कोई भी जैसे कि फास्टैग लगाते हैं, जो भी कोई और आपको चीज कार के अंदर से लगानी हो ताकि वो ज्यादा सेफ रहे, वैसे ये वाटरप्रूफ वगैरह है बट फिर भी आपने इसको कार के अंदर से ही लगाना है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, इसमें जो इसकी ये फिल्म है ये हटा लेता हूँ। देखिए, इसको रिमूव करने के बाद ये अंदर से पूरा डार्क निकला है और आपने ऐसे ही इसको उल्टा चिपकाना है ताकि ये बाहर से एकदम क्लियर दिखे। फ्रेंड्स, इसको लगाने से पहले हम इसको एक्टिवेट करने का तरीका सीख लेते हैं। इसको एक्टिवेट करना बहुत ही सिंपल है, आप इसको तीन तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल के कैमरे में ही QR कोड स्कैनर हो तो जस्ट आपने मोबाइल का कैमरा ओपन करके इसको स्कैन कर लेना है। सेकंड ऑप्शन है, आप गूगल लेंस का यूज कर सकते हैं, यानी कि आपके मोबाइल में आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। अगर आप लेंस लिखकर सर्च करेंगे तो गूगल लेंस एप्लीकेशन आ जाएगी, उसमें आपने इसको यानी कि जैसे आप इसको लेके जाएंगे इसके ऊपर अपने मोबाइल का कैमरा, तो उसके बाद आपको वहां पर एक वेबसाइट का लिंक दिख जाएगा, ठीक है। और जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, ये आपको सिर्फ वन टाइम रजिस्टर करना है, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद ये हमेशा के लिए रजिस्टर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, आपके सामने ऑप्शन लिखा जाएगा एक्टिवेट टैग का। अगर आप चाहें तो पेटीएम एप्लीकेशन का यूज करके भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। पेटीएम एप्लीकेशन में जाइए, QR कोड स्कैनर जो है उसको ओपन कर लीजिए, उससे स्कैन कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर यूज किया है गूगल लेंस एप्लीकेशन का। इसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आ गया है एक्टिवेट टैग का, तो हमने एक्टिवेट टैग पर क्लिक कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका व्हीकल का नंबर एंटर कर देना है, यानी कि जो भी आपकी कार का नंबर प्लेट पर जो नंबर है आपकी कार का, या फिर आपके अगर बाइक के लिए रजिस्टर कर रहे हैं जो बाइक का नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो मैं कार का नंबर एंटर कर देता हूँ। व्हीकल का नंबर एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना नाम और आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर कर देना है, यानी कि जिस पर आप चाहते हो कि किसी भी ऐसी सिचुएशन में जब आपके व्हीकल को कोई भी खतरा है तब उस पर SMS या कॉल आ जाए, जिस नंबर पर, वो नंबर आपने यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। तो मैं अपना नाम और नंबर यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आपको क्लिक करना है वेरीफाई मोबाइल पर। इसके बाद जो भी मोबाइल नंबर आप रजिस्टर करना चाहेंगे उस पर एक OTP आ जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा इनेबल कॉल मास्किंग, ठीक है, मैं क्लिक कर देता हूँ इनेबल कॉल मास्किंग। और देखिए, लिखा गया एक्शन परफॉर्म। तो फ्रेंड्स, बड़ा ही सिंपली हमारा ये टैग जो है एक्टिवेट हो चुका है। अब हम इसको कार में लगा देते हैं। आप चाहें तो इसको लगाने के बाद भी एक्टिवेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कार के अंदर इस टैग को लगाने से पहले आपने जगह सेलेक्ट कर लेनी है कि कहां पर आप लगाना चाहते हैं जहां से आपका व्यू खराब ना हो, और सेकंड आपने शीशे को वहां पर अच्छे से क्लीन भी कर लेना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो मैंने जो यहां पर इसकी लोकेशन सेलेक्ट की है साइड पर, मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर जस्ट मैंने इसको लगाया और इसके बाद इसको अच्छे से इस तरह से चिपका दिया, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको चिपका दिया। इस तरह से बड़ा इजीली आप इसको कार के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं बाहर से भी आपको दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स, हमने कार की फ्रंट साइड पर इस टैग को लगा दिया है और कार की बैक साइड पर भी इस टैग को हमने चिपका दिया है। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए हमने हमारा व्हीकल जो है वो नो पार्किंग एरिया में लगा दिया और कोई पर्सन मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहता है, तो उसके पास हमारा मोबाइल नंबर भी नहीं जाएगा, फिर भी वो पर्सन हमें मैसेज या कॉल के जरिए कोई भी इंफॉर्मेशन दे पाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर हमने इस टैग को चिपका दिया है, इसके बाद मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कोई भी QR कोड स्कैनर एप्लीकेशन उस पर्सन के मोबाइल में हो, एग्जांपल के लिए हम पेटीएम एप्लीकेशन को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो उस पर्सन ने क्या किया कि पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन किया और जैसे वो इस QR कोड स्कैन करेगा इस QR कोड को अपने मोबाइल में, तो उसके पास ये वाले सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमें वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि यहाँ पर उसको क्या हमारे व्हीकल से इश्यू है। मान लीजिए कार की लाइट ऑन रह गई है तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, अगर कार हमारी नो पार्किंग में लगी है तो ये वाला ऑप्शन, और अगर पुलिस टॉय करके ले गई है हमारी कार को तो ये वाला ऑप्शन, या फिर कोई हमारा पालतू जानवर या छोटा बच्चा गाड़ी में बंद रह गया हो तो ये वाला ऑप्शन, या कार की विंडो ओपन रह गई हो तो ये वाला ऑप्शन, या कुछ भी हमारे व्हीकल के साथ गलत है तो ये वाला ऑप्शन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं द कार इज नो पार्किंग, ये हमने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, यानी कि हमारी कार जो है नो पार्किंग एरिया में लगी हुई है, तो वो पर्सन ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेगा। अब इसके बाद वो चाहे तो यहाँ पर हमें मैसेज कर सकता है या फिर हमें कॉल कर सकता है।
तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम मैसेज वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद उस पर्सन को क्या करना होगा, गाड़ी के जो लास्ट के 4 डिजिट हैं, यानी कि जो भी हमारी गाड़ी का नंबर है, वो यहाँ पर एंटर करेगा। ये इसलिए ताकि कोई आपको बेवजह मैसेज कर करके परेशान ना करे, इसलिए ताकि वो आपसे ही कॉन्टेक्ट करना चाहता है। इसके बाद उसने ये नंबर सेलेक्ट डाल दिया जो हमने गाड़ी का नंबर रजिस्टर किया हुआ है, लास्ट के 4 डिजिट 8389। और इसके बाद अगर वो चाहे तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी आपको सेंड कर सकता है। ये भी उसकी मर्जी है कि वो आपको अपना नंबर सेंड करना चाहे या नहीं, और आपका नंबर भी उसके पास शो नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद वो पर्सन क्या करेगा, मैसेज नाउ पर क्लिक कर देगा और कुछ ही सेकंड के अंदर आपके पास मैसेज रिसीव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए कुछ ही सेकंड में हमारे पास SMS ये आ चुका है, तो हम इस SMS को ओपन करेंगे। ये भी मैं आपको बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हाय हर्ष, ए यूजर रिपोर्टेड योर व्हीकल विद प्लेट नंबर इज नो पार्किंग एरिया, चेक लोकेशन। तो देखिए हमारे पास इस तरह से SMS के जरिए जानकारी मिल गई है। और ये देखिए यहाँ पर उस पर्सन का कोई भी यहाँ पर नंबर शो नहीं हुआ, यानी कि अगर वो देना चाहे मैसेज सेंड करने वाला तो अपना नंबर आपको दे सकता है, अदरवाइज जरूरत नहीं है ना, यानी कि पूरी प्राइवेसी मिलती है ना, तो आपका नंबर उस पर्सन के पास शो होगा ना उसका नंबर आपके पास शो होगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे ही किसी और नई वीडियो के साथ।